नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। आरबी न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खनुआ में जो कि यहाँ अदानी कंपनी द्वारा कॉलोनी बनाई जा रही है, जो कि कॉलोनी में जिसके 8 से 10 घर ऐसे हैं जो कि कई वर्षों से, लगभग 50 वर्ष से जमे हुए हैं। किसी के जमीन में खेती किया गया था, रहर वहर थान उन बोआ हुआ था, उसमें सतिलदार द्वारा बुलडोजर चला दिया गया है, जिसका मकान, मतलब है मकान किसी और के नाम से जो सतिलदार के करीबी और कंपनी के करीबी है। कहा जाता है कि पैसे के दम पे, मतलब किसी और के नाम से नंबरी कर दिया गया है, उसको भुगतान कर दिया गया है। जो जिसका घर है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो कि जबरदस्ती सतिलदार द्वारा कहा जाता है कि अगर आप काम बंद कराओगे तो मैं आचार संहिता लगा हुआ है अंदर कर देंगे, जमानत नहीं होगा। ऐसे सतिलदार को मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्हीं लोग के बदौलत आपको आज जो सैलरी मिलती है इन्हीं के दम से मिलती है, तो आप गरीब के रक्षा करने के लिए बने हैं तो रक्षा करिए, नहीं तो पब्लिक जिस दिन अपने मूड में आ जाएगी तो आपकी अपनी औकात सिखा देगी। मेरे को क्या नाम बा? लाल बहादुर। क्या मामला बा तुम्हारा? हमारा मामला ये है जो ये कंपनी लिया है जी है, इसको हम लोग इसलिए मना करता है कि इसका कहता है कि मुआवजा उजा नहीं मिलेगा, सरकारी खेत को लिया है। अच्छा, तहसीलदार द्वारा बोला गया था? हाँ, तहसीलदार बोल रहा है। है इसके वजह से हम सोचते हैं साहब कि भाई मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा, हमारा यहाँ 40-50 साल से यहाँ रहते हुए हो गए हम लोगों को। नहीं तो कई साल से तुम्हारे यहाँ घर हुआ? ये तो 20 साल साहब है, 50 वर्ष। 50 वर्ष? हाँ। तो आप उसको बताया नहीं कि मतलब 50 साल मतलब यहाँ मेरा घर है? बताए तो अभी बोल रहा है कि अभी मान लेंगे ये नहीं हो पाएगा, सरकारी जमीन है, घर का भी मुआवजा नहीं देंगे। घर का मुआवजा नहीं देंगे अभी, ज्यादा दलाली करोगे तो जेल भी भजवा देंगे, यहाँ मान ही नहीं रहे हैं। तब तक तो हम बहुत तक कहबे करेंगे, धरने पर जो लगवाएंगे इधर बैठेंगे मतलब आप धरने पर बैठ जाएंगे अगर आपकी भुगतान नहीं हुआ तो? भाई नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, यही जमीन है यही चाहिए, जाएंगे हम नहीं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। क्या नाम बताई? झपिया नाम है। सब जोत कोड़ दी हमारी बिटिया घरवा बनाओ, घरवा उधार दी, झपिया नाम है, कुछ नहीं है, डबल नहीं, हमारा उसका जमीन है रही पुरखा का, कितने का पुरखा बिक गया। हाँ, कुछ नहीं दे ली। मुआवजा मिलल कि नहीं? कहा मिली मुआवजा? नहीं कहा मिली, नहीं मिला है। घर उधर गल? घर उधर गए। का कहन? जबरदस्ती उधारी। जबरदस्ती उधारी? हाँ। ना का कहन तहसीलदार? कहा कि उधारा उधारा हम कैसन करे, बीपिया हमारे है वो है खेत को ले मोर रखे रही थी दादा, और भाई सरकारी है हमार तोरल चतराल हमार से आनंद पुरखा का, तो वो कुछ नहीं दे ले, नहीं दे ले। नाम है? मेरा नाम है रामकली सिंह। वो क्या मामला क्या है आपका यहाँ? मामला है सर, हम लोगों का पूरा जमीन जितना खेती किसानी किए थे पूरा खाली करवा दिए तहसीलदार साहब जी। तो क्या आपके जब जमीन जो मतलब मकान उधारा गया तो क्या इसमें रोक लगाया सर? रोक लगा रहे थे सर, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे, नहीं कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा, फसल उजर जाएगा तो उजर जाएगा, अगर जबरदस्ती करोगे जेल चले जाओगे। मुआवजा दिया गया नहीं? मुआवजा कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे, बोल रहे हैं सरकारी खेत है कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब आप लोग को कुछ दिया नहीं गया? क्या देंगे, बोलते रहे कि सरकारी खेत से नहीं मिला, जबरदस्ती घर बनाए हो, हम लोगों का बस उतना ही जमीन है, बाकी कहीं नहीं है जी। नहीं तो सर जमीन का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, मतलब जमीन तो फसल तो भी था भाई, घर का मुआवजा तो मिलना चाहिए ना? घर को ना मिला न तो फसल का जी। तो करीबन आपका कितने साल से मतलब मकान पड़ा है यहाँ? हमारा मकान कम से कम हमारे 3 पुश्त बीत गया, 3 पुश्त का मकान हमारे यहाँ बना हुआ है। बोला आपके क्या नाम है? संधारी सिंह। तो ये जो आपके यहाँ अभी आपके घर में कंपनी काम कर रही है खेत में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका भुगतान हुआ है? कुछ भुगतान नहीं हुआ है।
या मुआवजा नहीं मिला? खबर नहीं मिला है आपको। तो क्या आपकी जो बता रहे थे आपकी मतलब यहाँ जो जमीन मेरा है आम उम का पेड़, तो आम उम किसी और के नाम से हुआ है? हाँ हुआ है, दूसरा के नाम से हुआ है। किसके नाम से हुआ है? लीलावती कैलाश के नाम से। अच्छा, तो क्या इसके बारे में आप शिकायत नहीं किए? किए हैं सर, लेकिन कौन सूरत कौन है यहाँ। अच्छा, तो क्या इसमें कुछ बोले कि इतना दिन में सुधार होगा कैसे थे? बोले है, लेकिन सुधार के जब हमको मिले लिखित कोई कागज तब उसको जाने। अच्छा, फालतू बाहरी लोगों को चेक दिया जा रहा है, हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सरपंच का हो गया, और किसका किसका नाम आप बता रहे हैं? नहीं, जैसे बसंत लाल विश्वकर्मा के नाम से मौजा बना है जी, और कृष्णदेव पांडे के नाम पे बना है जी, सरपंच साहब के नाम पे बना है जी, और जो फसल नहीं लगा है उनका भी कई लोगों का, ऐसे कई लोगों के नाम से। क्या मतलब उन लोग का यहाँ मकान बना नहीं था? ना उनका मकान है ना उनका कहीं यहाँ पे जोतकार है जी, फिर भी उनको मौजा, हाँ फिर भी उनको मौजा बना कर दिया गया कंपनी की तरफ से, उनको मौजा दिया गया। हाँ मौजा दिया गया है। जो यहाँ जो प्रॉपर जो हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं चार पुस्तों से हम लोग अपना कर रहे हैं जी, आज हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। जेसपी चलाकर जो है तो पूरे फसल को रौंदने का कोशिश किया जा रहा है, और रौंद भी दिया गया है। मेरा जो मेड़ बंधान वगैरह बनवाए थे हम, तो मेड़ बंधान वगैरह तोड़ दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना, शिकायत नहीं की आप ऊपर कहीं? शिकायत अब किससे करें, हम तहसीलदार साहब से बोले तो तहसीलदार साहब बोले कि नहीं चलिए देखेंगे, ये प्रावधान नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन की जमीन में आपको कोई हक नहीं है, और इसमें जो है कि हमारे जितने फंसे हुए हैं तो यहाँ जिनका जमीन नहीं है, जिनका जोतकार नहीं है, उनको ही तहसीलदार द्वारा, पटवारी द्वारा, कंपनी के द्वारा मौजा दिया गया है। अच्छा, मतलब जिसका यहाँ कोई जमीन, जमीन जगह नहीं, ना फसील है, ना उनका कोई ये है, खाली उनको कम से अभी 28 लोग जो घर बनाए थे तो उनका चलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था, और जिनका नहीं है जैसे देखा जाए तो अपने यहाँ सरपंच साहब जी, और कृष्णदेव पांडे जी, और देखा जाए तो बसंत लाल विश्वकर्मा। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।